कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 48 घंटों की बंदी के बाद शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर खोल दिया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आम जनता के लिए कलेक्ट्रेट परिसर और पूरे ऑफिस को 15 और 16 जुलाई को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था और सभी कर्मचारियों को घर से ऑनलाइन के माध्यम से कार्य करने के लिए कहा गया था। इन दो दिनों में पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया, क्योंकि 48 घंटे में कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाता है। शुक्रवार को पुनः कलेक्ट्रेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया। उन्होंने जनता से अपील किया है कि बहुत आवश्यकता पर ही मास्क लगाकर कलेक्ट्रेट में प्रवेश करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कोविड-19 से आम जनता की सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट को 15 और 16 के लिए आम जनता के लिए बंद किया गया था। सभी कार्यालय भी बंद किए गए थे, उनको वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया था और दो दिन में इसको सैनिटाइज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं किसी प्रकार के कोरोना वायरस का यहाँ पर कहीं पर गिरा होगा, कुछ भी होगा, तो वो स्वतः 48 घंटे में समाप्त हो गया होगा। आज कलेक्ट्रेट सामान्य तौर पे खुल गया, परंतु आम जनता से यही अनुरोध है कि यदि उनको बहुत आवश्यक ना हो तो कलेक्ट्रेट परिसर ना आए या किसी भी सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालयों में यथासंभव घर पे रहें, मास्क को लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।